मिश्रा के वकील ने क्या बोला रिमांड पर बहस के बाद, करें उसके बाद बैठेंगे। ठीक है जी, क्या रहा आज पूरी सुनवाई हो चुकी है, ऑर्डर रिजर्व हो गया, दैट्स ऑल। थोड़ा वेट करिए, आप अपनी बहस आपको वहाँ करिए, यहाँ बताऊँ भैया गला नहीं काम, थोड़ा इंतजार करें उसके बाद बैठेंगे। ठीक है जी, क्या रहा आज पूरी सुनवाई हो चुकी है, ऑर्डर रिजर्व हो गया, दैट्स ऑल। थोड़ा वेट करिए, आप अपनी बहस आपको वहाँ करिए, यहाँ बताऊँ भैया गला नहीं काम, थोड़ा इंतजार। और एक बार फिर से रुक करते हैं विवेक का। विवेक, जैसा कि वकील हैं वो बोल रहे हैं कि अब ऑर्डर रिजर्व हो गया है, बाद में बात करेंगे, इन सब के बीच तनाव की स्थिति दोनों ही पक्षों की तरफ हो गई है, वियोजन भी और आशीष मिश्रा भी, क्योंकि दोनों का अपना अपना पक्ष मजबूती से रखना था। कोर्ट क्या करता है फैसला, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जी बिल्कुल अवधेश, देखिए जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की गई है, असमंजस भरी गिरफ्तारी थी, तमाम ऐसी चीज़ें सामने आ रही थी कि पुलिस को ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है। तो दूसरी तरफ का कहना था, दूसरे पक्ष का कहना था, आशीष मिश्रा के लोगों का कहना था जो वहाँ मौजूद थे पुलिस लाइन में, क्राइम ब्रांच के ऑफिस के आसपास मौजूद थे, उनका कहना था कि अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य पुलिस के पास नहीं है जो गिरफ्तारी की जा सके, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। वो जिस जगह पर थे जहाँ पर दंगल हो रहा था वो वहाँ थे, और जो घटना स्थल है वहाँ से काफ़ी दूर है, तीन चार किलोमीटर के आसपास है, वो वहाँ नहीं थे, उस काफिले में शामिल नहीं थे। इनके अलावा जो अंकित दास का भी नाम आ रहा है, वो लोग यहीं दंगल स्थल पर मौजूद थे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन पुलिस का कहना है कि नहीं, वो वहाँ पर मौजूद थे और ऐसे तमाम साक्ष्य मिले हैं। हालांकि कोई भी साक्ष्य अभी तक प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, पुलिस के जो टीम है वो अभी तक ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। और ये जो आशीष मिश्रा की तरफ से, बचाव पक्ष की तरफ से भी कहा गया था कि हमारे पास जो उनको बुलाया गया था, नोटिस देकर ये कहा गया था कि आप अपने बचाव में चीज़ें साक्ष्य सामने लाइए, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो सामने लाइए, तमाम वीडियो लेकर आए थे। हालांकि उस वीडियो में भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो अपने आप को क्लीन चिट दिला पाते। तो पुलिस ने ना, पुलिस के पास बहुत ज़्यादा साक्ष्य हैं अभी अगर हम कहें तो, और ना ही आशीष मिश्रा के पास अपने आप को बचाने के बहुत सारे साक्ष्य हैं। तो अभी ये समझिए कि गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद की चीज़ें जो सामने आएंगी, बहुत साक्ष्य संकलन होना है, बहुत सारे लोगों से बातचीत होनी है, बयान होने हैं, बैठा के आमना सामना कराना है, कई आरोपी, दो आरोपी जो जेल में हैं उनसे आमना सामना कराना है, उनसे क्रॉस इंटरोगेशन होगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घटनास्थल, हो सकता है कि जो घटनास्थल है तिकुनिया में वहां पर भी आशीष मिश्रा को लाया जाए और दो आरोपियों को साथ लाया जाए। सबसे बड़ी बात है कि क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराया जाए, बहुत सारी चीजें, राजनीति भी अपनी संभावनाएं तलाश रही है। तो एक तरफ जहां कोर्ट में रिमांड पर बातचीत हुई, बहस हुई, उन सब के बीच कांग्रेस जो है वो मौन व्रत पर बैठी हुई है। लखीमपुर में भी एक वर्ग धरना दे रहा है, उनका कहना है कि जो किसानों के अलावा चार लोग हैं, शुभम मिश्रा का मामला है, उस पर पुलिस ध्यान नहीं दे रही है। तो सब अपनी अपनी दलीलों पर कायम है, अलग अलग कई एंगल पर इस पर लगातार काम चल रहा है और सभी पर निगाहें हमारी बनी है। और ये उस वक्त की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब लखीमपुर में रिमांड पर बहस हुई आशीष मिश्रा की, और बहस ही पूरी हो चुकी है, और इस बहस के अब 2 घंटे के बाद ये फैसला आएगा कि आखिर रिमांड पर लिया जाएगा आशीष मिश्रा को कि या नहीं, कोर्ट कितने दिन की रिमांड देती है, क्योंकि दोनों तरफ से आधे घंटे की तीखी बहस हुई है। नवीन, जैसा कि बता रहे थे कि दोनों तरफ से तीखी बहस हुई, जहां एक तरफ आशीष मिश्रा के वकील कह रहे थे कि इस पर सुनवाई 12 घंटे की हो चुकी है, वहीं अभियोजन पक्ष का कहना है कि हमें बहुत सारे भी सवाल पूछने हैं।